प्रश्न पत्र गंगा के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी बड़े दिल वाले हैं और बड़े दिल वाले लोगों के साथ मैं कहने को पढ़ा रहा हूं पर पढ़ ही रहा हूं आपके साथ, यही समझिएगा। और मैं खुद पढ़ने का अभ्यास कर रहा हूं, मेरे पढ़ाई के साथ आप भी पढ़ाई करिए, मैं भी बस उतना ही चाहता हूँ। और जो कुछ सीख सकते हैं कुछ सीखिए, और मैं आपके लिए नया प्रयास कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, ये हमारा प्रश्न है। अभावस्य प्रत्यक्षम भवति, अभाव का प्रत्यक्ष होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि अभावस्य प्रत्यक्षम भवति संयोग संबंधेन, समवाय संबंधेन, संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षेण, किसके द्वारा होता है अभाव का प्रत्यक्ष। भैया कोई चीज नहीं है, इह भूतले घटो नास्ति, अत्यंता भाव है ना। तो कह रहे कि अभावस्य प्रत्यक्षम भवति किसके द्वारा होता है, तो कहते हैं विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्षेण। विशेषण और विशेष सन्निकर्ष होते हैं आपको पता ही है, कौन कौन से नोट करिए। सन्निकर्ष अगले दिन आप याद करके आइएगा, और सन्निकर्ष को जो है आप लिख लिख के भी भेजिएगा, तो आपको सन्निकर्ष जो है आपको याद आ जाएगा। तत्काल देखिएगा, ना याद आए तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, डी वाला बिल्कुल क्या है, सही हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ है आप तो वाक्यम शब्द, आप तो वाक्य जो है वो क्या है, शब्द है। इति लक्षणम, ये किसका लक्षण है, आप तो वाक्यम शब्द, यह जो लक्षण है वो किसका है, किस चीज का है, पद का है, वाक्य का है, शब्द का है कि महावाक्य का है। शब्द प्रमाण का है, आप तस्तु यथार्थ वक्ता, शब्द प्रमाण का लक्षण है। प्रमाण कितने होते हैं, मतलब किसकी दृष्टि, प्रत्येक की दृष्टि में अलग प्रमाण माने जाते हैं, ठीक है। न्याय 4 प्रमाण मानता है, सांख्य 3 प्रमाण मानता है, ऐसे ही आपको जानना चाहिए कि ये आप्त वाक्यम शब्द किसका लक्षण है, शब्द प्रमाण का लक्षण है। दो तीन जानकारियां आपको मिली। आइए सी वाला बिल्कुल आपका सही है, अब सी वाला बिल्कुल सही है, बोलने की भी जरूरत नहीं, हम लगा ही दिए, आप देख लीजिए। अब 28 नंबर प्रश्न पे देखिएगा, एकस्मिन धर्मिणी, एक धर्म में नाना धर्म अवगाही ज्ञानम, एक धर्म में नाना धर्मों का अवगाही ज्ञानम, वो ज्ञान कैसा है, जानने वाला, जाना हुआ ज्ञान कैसा है। एकस्मिन धर्मिणी नाना धर्मावगाही ज्ञानम, कह रहे कि एकस्मिन धर्मिणी नाना धर्मावगाही ज्ञानम, ये क्या है, कह रहे क्या है आपको बताना है, तो क्या कहेंगे, संशय है। क्या है, सही कह रहे हैं आचार्य, एक धर्म में नाना धर्मों का अवगाह, नाना धर्मावगाह ही ज्ञानम जो होता है वो संशय होता है। क्या होता है, संशय। मान लीजिए कोई चीज है, यह सर्प, एषः सर्पः अस्ति उत वा रज्जु, एक धर्म है, एक पदार्थ है, एक वस्तु है, वहां पे कई चीजों को आप उत्पन्न करते, सर्व लड़का है कि लड़की है कि पेड़ है कि हाथी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, जब भ्रम में आप फंस गए तो वही क्या है, संशय है, समझ गए ना। तो एकस्मिन धर्मिणी नाना धर्मावगाही ज्ञानम संशयस्य लक्षणम। 29 देखिएगा, प्रतिविषयाध्यवसायो, प्रतिविषयाध्यवसायो कहा कि इत्यस्य संबंधा के, इसका संबंध किसका है, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम मनुमानमाप्त वचनम, ऐसे ही कुछ कारिका में आता है कि देखिएगा प्रतिविषयाध्यवसाय इत्यस्य संबंधा के, इसका संबंध किसके साथ है। 29 नंबर आपका प्रश्न है और पूछ रहे हैं तो किसका है, प्रत्यक्ष के साथ, किसके साथ संबंध है, प्रतिविषयाध्यवसाय प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम अनुमानमाप्त वचनम, त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमाण सिद्धि प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि, आया है कि नहीं आया सांख्य कारिका में, प्रतिविषयाध्यवसायो, थोड़ा श्लोक भिन्न हो रहा है पर ऐसे ही आया है, सांख्य कारिका को आप देखिएगा तो ये इसका फिलहाल ये जानिए, प्रतिविषयाध्यवसाय माने क्या है, ये किससे संबंध है, प्रत्यक्ष से संबंधित है। आइए अगले वाले पे चलते हैं, अगला देखिएगा 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है प्रदीप वच्चार ततो वृत्ति ही, सत्वम लघु प्रकाशकमिष्टम
उपष्टम्भकं चलञ्चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ते। सत्वं लघुप्रकाशकमिष्टम् उपष्टम्भकं चलञ्चरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ते। हो गया ना? तो कवि बता रहे हैं किसके बारे में कह रहे हैं, प्रदीपवच्चार्थतो वृत्ति, प्रदीप के समान इनकी वृत्ति है। यानी कि एक दिया भी चाहिए तो एक लौ भी चाहिए और तेल भी चाहिए। तो जब तीन मिलेंगे, सत्व रज तम मिलेंगे, तब क्या दीपक के समान उनकी क्या हो जाएगी, वृत्ति हो जाएगी। सत्वम लघु हल्का है, प्रकाशक है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्बकम, उपष्टम्बक है उत्तेजित होने वाला, चलम च चंचल है, रजह उपष्टम्बकम चलम च रजह गुरुवर्णकमेव तमः भारी है, तम है अंधकार वाला, गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतोवृत्तिः। गुणत्रयस्य आया कि नहीं आया समझ में भैया? बी वाला सही हो जाएगा ना? बिल्कुल। चलें आगे, 31 नंबर प्रश्न है, लिखा है ततो हंकारः प्रकृतेर महत्। देखिए क्या, प्रकृतेर महत् ततो हंकारः तस्मात् कणश्च षोडशकः, है कि नहीं है? प्रकृतेर महत् ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः, इस सांख्यिका में आपको मिलेगा। तो कह रहे हैं कि ततो अहंकारः इति अहंकारस्य उत्पत्ति कुतः, प्रकृतेर महत् ततो अहंकारः, महत्तः अहंकारः, होगा कि नहीं होगा बताइए, क्या सही हो जाएगा? बी होगा ना, मैंने आपको बता भी दिया हूं, प्रकृतेर महत् महदहंकारः, बी वाला सही हो जाएगा। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, हुआ कि नहीं हुआ? आइए ये वाला सही हो गया, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार अध्यवसायात्मक तत्वम किम, अध्यवसायात्मक तत्व कौन सा है? अध्यवसाय हो क्या, एक अध्यवसाय शब्द का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो क्या कहेंगे, ज्ञान किस में होता है? बुद्धि में होता है, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि होगा कि नहीं होगा? ये वाला सही हो गया। अगले वाले चलें, अगला वाला देखिएगा, हमारे भैया कह रहे थे कि एक बार किसी प्रश्न को इतना इतना मत किया करिए, हम नहीं करेंगे फिलहाल, ये आप जान लीजिए, ये वाला आपका सही हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? अगला वाला प्रश्न देखिएगा, पढ़ते रहिए, क्या रे, आ रहो अपनी मस्ती में, स्वस्थ रहो मस्त रहो अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे बस्ती में। अब आप देखिएगा, सवाक वज्रो यजमानम मिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पदा पराधात, सवाक वज्रो मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमतमाः, सवाक वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। इत्यनेन महाभाष्ये किम अभिप्रेतम, व्यवहार की शुद्धि, काय की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, के शब्द की शुद्धि, शब्द की शुद्धि, क्योंकि भैया वैयाकरणों का एक है ना कि भैया अर्धमात्रा लाघवेण पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः, तो वही क्या कहते हैं, अर्धमात्रा का शब्द शुद्धि के लिए ही है। मान लीजिए आप लिखते हैं ग्रामात आयाति, संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वहीं आप बना दे ग्रामाद आयाति, इतने में वैयाकरण वाले अपना पुत्रोत्सव मना लेंगे, बर्थडे मना लेंगे, तो ये शब्द शुद्धि वाला ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न है, लिखा है यागात स्वर्गो भवति, याग से स्वर्ग होता है, इत्यत्र भू धातु हो कहा अर्था, यहाँ पे भू धातु का अर्थ क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे भू धातु का अर्थ क्या हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा। वैसे भू धातु का अर्थ क्या है, सत्तार्थक है, अस भूवि
एक अलग धातु है, एक भू धातु है सत्तार्थक में, ये अलग है, भू सत्ता भू सत्तार्थक अलग है, अवस भू भी अलग है इसका। यहाँ पे पर भू धातु स्वर्गात यागात स्वर्गो भवती, यहाँ भू धातु का अर्थ क्या है, उत्पत्ति है। तो ये डी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 35 नंबर प्रश्न है। यहाँ लिखा है कि अधोंकितानाम युग्मानाम समीचीना तालिका चेतव्या, अधोंकित युग्मों की समीचीन तालिका का चयन करिए, है ना। अधोंकितानाम युग्मानाम समीचीना तालिका चेतव्या, अधोंकित युग्मों में समीचीन तालिका को चुनिए। तो आप क्या बनाएंगे, ये आपको बनाना है। झया दिया है आपको, क्या दिया है, झया दिया है आपको। तो इस तरह मनोरोवा दिया है, भ्रियो संज्ञायाम दिया है, कर्तृणीय पंचमी दिया है, भृत्य शतादबद्ध विद्युत, ये सब आपको दे दिया है। क्या दी, आप देख लिए होंगे ना। तो अब देखिए इसका क्या सही है आपको बताना है। तो आ का क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जया से विद्युतवान बनेगा कि नहीं बनेगा, बोले सही कह रहे हैं, जया विद्युतवान बन जाएगा, क्या बनेगा, विद्युतवान बन जाएगा। और बा का चार बना लीजिए, मनोरौवा का मनु बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, मनोरौवा से मनु बन जाएगा। और सा का दो बना लीजिए, भ्रयो संज्ञायाम से, न भ्रयो संज्ञायाम से भृत्य, सा का क्या बना लीजिए, एक बार ध्यान से देखिएगा। और अकर्तर ऋणे पंचमी से, अकर्तर ऋणे पंचमी से बनेगा शतात बद्धा। अब भ्रयो संज्ञायाम से क्या बनेगा, भृत्या बनेगा, भ्रयो संज्ञायाम से क्या बन जाएगा आपका, भृत्या बन जाएगा। एक बार आप मिला लीजिए, क्या मिला लीजिए कि देखिएगा ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी सही हो रहा है, बी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए बी सही हो रहा है। आ का कितना हो गया, तीन हुआ कि नहीं हुआ, जया से विद्युतवान बना। बा का कितना हो गया, बा का चार हो गया, देखो बा का चार हो गया, मनु मनोरवा से मनु, जया से विद्युतवान। और देखिएगा सा का एक हो गया, भ्रयो संज्ञायाम से भृत्या, अकर्तृणे पंचमी से शतात बद्धा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये बन गया, तो ये बिल्कुल सही हो गया। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहाँ डाउट में फंस जाते हैं, 36 नंबर देखिएगा। सर्पिशो जानीते दिया है, क्या दिया है, सर्पिशो जानीते, इत्यत्र क्रियापद आत्मने पद विधायकम सूत्रम किम, आत्मने पद विधायक सूत्र कौन सा है, ये आपसे पूछना चाहते हैं। आत्मने पद माने सर्पिशो जानाति, ऐसा होना चाहिए था पर जानीते हो गया, मतलब परस्मै पद से आत्मने पद हो गया। आत्मने पद विधायक सूत्र कौन सा, अकर्मकाच्च, किससे होगा, अकर्मकाच्च, ये जो सूत्र है अकर्मकाच्च, इससे हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्पिशो जानीते इत्यत्र क्रियापदे आत्मने पद विधायकम सूत्रम किम अकर्मकाच्च, ये डी वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न है, उपरमति इत्यत्र परस्मै पद विधायकम सूत्रम किम, ये जो है उपरमति, यहाँ पर परस्मै पद विधायक सूत्र कौन सा है, ठीक है, उपरमति इत्यत्र परस्मै पद विधायकम सूत्रम किम, परस्मै पद विधायक सूत्र कौन सा है आपको बताना है। तो आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे, उपरमति है उपाच्य, क्या होगा, उपाच्य होगा कि नहीं होगा, बताइए भैया, डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहे हैं ध्वनि स्फोट और मध्य का संबंध, ध्वनि और स्फोट के मध्य में कैसा संबंध है, ध्वनि स्फोट और मध्य का संबंध ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, कार्य कारण भाव संबंध, कैसा संबंध है, कार्य कारण भाव संबंध, ध्वनि और स्फोट में कैसा संबंध हो जाएगा, कार्य और कारण भाव संबंध हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्वनि स्फोट और मध्य का संबंध, कार्य कारण भाव संबंध है ध्वनि और स्फोट में, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं स्वीकृतम भर्तृहरि मते वाचः, ये भी वाक्य पदीयम, वाणी के कितने भेद हैं, स्वीकृतम भर्तृहरि मते वाचः, ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे, बताइए भैया, स्वीकृतम भर्तृहरि मते
वाचः, तो आप क्या कहेंगे बोलिए? वाणी के कितने भेद कहे हैं? त्रिविधम, तीन भेद बताए हैं। और पहला वाला भी आपका वाक्य पदियम से ही था। देखिएगा यहाँ क्या पूछा था कि ध्वनि और स्फोट के मध्य में संबंध क्या है? कार्य कारण भाव है। और फिर पूछ रहे हैं कि स्वीकृतम भर्तृहरिमतेन, स्वीकृतम भर्तृहरिमतेन वाचः त्रैविध्यम स्वीकृतम, वाणी का त्रैविध्य माना है। ठीक है, तृतीय सवने कीदृशः स्वरः, तीसरे सवन में कौन सा स्वर प्रयोज्य किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? गंभीर, मध्यम, तार या कंप? तो आप जब तृतीय सवने कीदृशः स्वरः प्रयोज्य, तारः प्रयोज्य। ठीक है, तृतीय सवन में कौन से स्वर का प्रयोग करना चाहिए? तो तार स्वर जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। सही है आपका। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न है, यहाँ दिया है वज्रम पतति मस्तके, है कि नहीं? अनक्षरम हतायुष्यम व्यस्वरम व्याधि पीड़ितम, और आगे कुछ और दिया है, अनक्षरम हतायुष्यम व्यस्वरम व्याधि पीड़ितम, और अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके, आया है कि नहीं आया? अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्त, अनक्षरम हतायुष्वम व्यस्वरम व्याधि पीड़ितम, अक्षता शस्त्र रूपेण वज्रम पतति मस्तके। श्लोक को एक बार आप लोग भी और अच्छे से देखिएगा, मुझे थोड़ा सा विस्मृत हो रहा है, और इसका क्या हो जाएगा आप देखिएगा। कह रहे हैं कि वज्रम पतति मस्तके इति पद्यांशः कुत्रोक्तः, कहाँ कहाँ गया है? ये पाणिनि शिक्षा में आया है, और पाणिनि शिक्षा में उत्तम पाठक के अधम पाठक के गुण बताए गए। क्या बताए गए? माधुर्य अक्षर व्यक्ते पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थन चेते पाठ का गुणा, ये किसके हैं? उत्तम पाठक के गुण है। अधम पाठक के क्या गुण है? गीत शीघ्र शिरा कंपे तथा लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठकाधमा, ये अच्छा जो है अधम पाठक है। और 63 और 64 वर्ण जो है माने गए, ऐसा भी कहां बताया गया? त्रिषष्टिश्च चतुष्षष्टिर्वा वर्णाशंभुमते मत, पाणिनि शिक्षा में चाशस्तु वदते मात्रां द्विमात्रं त्वेव वायसः शिखीरौत्री त्रिमात्रंतो नकुलास्पर्ध मात्रकम, कहाँ आया है? पाणिनि शिक्षा में आया है। समझे कि नहीं समझे भैया? समझ रहे हैं, वाह बहुत सुंदर, जय हो आपकी। आगे देखिएगा 42 नंबर आपका प्रश्न लिख रहा है, प्रसिद्ध ध्वनि नियमेषु अर्वाचीनतमा का, प्रसिद्ध ध्वनि नियमों में, ध्वनि नियमों में सबसे नया कौन सा है? क्या पूछ रहे हैं? प्रसिद्ध ध्वनि नियमों में सबसे नया नियम कौन? ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर, वर्नर सबसे लास्ट में आए, सबसे अर्वाचीन हुए कि नहीं हुए? ये वाला हो गया ना कि? आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 43 नंबर प्रश्न है, लिखा हुआ जिह्वा भाग विशेषोच्चारण दृष्टिया, जिह्वा भाग विशेष उच्चारण की दृष्टि से मध्य स्वर कौन सा होता है? क्या पूछे? जिह्वा भाग विशेष उच्चारण की दृष्टि से मध्यम स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर कौन सा होता है? क्या मध्य स्वर? अकार होता है। क्या होता है? ये वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला देखिएगा, 44 नंबर प्रश्न, यहाँ लिखा है आकृति मूलक वर्गीकरणेन असंबद्धम, आकृति मूलक वर्गीकरण से असंबद्ध है, यानी कि आकृति मूलक वर्गीकरण वाले वाला नहीं है। कौन नहीं है? आकृति, एक आकृति मूलक होता है, कौन सा मूलक होता है? आकृति मूलक और अरे वाह, तो ये देखिए प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग और व्यापार, ये चार चीजें बता रहे हैं। 44 नंबर प्रश्न है, तो बताइए आकृति मूलक वर्गीकरण से कौन असंबद्ध है? 44 का क्या हो जाएगा बोलिए भैया? व्यापार, वाह व्यापार, सही कह रहे हैं। आकृति मूलक में देखिएगा प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग होते हैं। संस्कृत कैसी भाषा है बताइए? प्रकृति प्रत्ययोपसर्ग संयोगात श्लिष्ट भाषा। संस्कृत कैसी भाषा है? श्लिष्ट प्रकृति प्रत्यय के संयोग होने के कारण श्लिष्ट भाषा है। प्रकृति प्रत्ययो संयोगात श्लिष्टेयम संस्कृतम, श्लिष्ट भाषा है। संस्कृत कैसी भाषा है? श्लिष्ट भाषा है। और चीनी कैसी है? चीनी खाने वाली,
चीनी जो है वो आपकी अयोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? अयोगात्मक भाषा है। तो आपका व्यापार वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। व्यापार, पता नहीं कि व्यापार कालीन भैया थे ना कि मिर्जापुर वाले भैया, ऐसे ही आप भी कभी कभी देख लेते होंगे, हम बोल दिए बुरा मत मानिएगा, ठीक है, नहीं तो हमारा पढ़ना भी बंद हो जाएगा। 45 नंबर देखिएगा, पारिवारिक वर्गीकरण असंबद्धम, पारिवारिक वर्गीकरण से असंबद्ध है ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, तो पारिवारिक वर्गीकरण से असंबद्ध कौन है? फल साम्य, ध्वनि साम्य, पद साम्य या अर्थ साम्य, आपसे पूछ रहे हैं ये। तो क्या फल साम्य होगा कि नहीं होगा बताइए? पारिवारिक वर्गीकरण से असंबद्ध है, फल साम्य असंबद्ध है, चूंकि ध्वनि साम्य। पारिवारिक वर्गीकरण में देखा क्या जाता है? एक आपने देखा आकृति मूलक में प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग का संयोग देखा, आकृति मूलक, इसीलिए उसका निर्धारण हुआ। पारिवारिक मूलक में ध्वनि का साम्य, पद का साम्य और अर्थ का साम्य देख के पारिवारिक वर्गीकरण किया गया, कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो है होगा कि नहीं होगा? एक तो ध्वनि साम्य, पद साम्य, अर्थ साम्य से जो है पारिवारिक वर्गीकरण है। तो अब देखिए आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही लगाए, वाह, अनुमति मिल गई, अब आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, लिखा है, संस्कृत भाषाया शतम इति पदम गौथिक भाषायाम हुंद भवति इति कस्य मतम, यह जो है किसका मत है ये आपसे पूछ रहे हैं, तो किसका मत है बताइए, बोलिए मैडम, आप ही बताएंगे इस बार। ग्रिम महोदय का कि वर्नर महोदय का कि ग्रासमान महोदय का कि थॉम्पसन महोदय का, किसका? थॉम्पसन लिखा है ना, थॉम्पसन महोदय से, बताइए किसका है? ग्रासमान, आप बताइए। हाँ बोलिए, वर्नर महोदय, बिल्कुल सही, आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए। आइए देखिए, बी वाला बिल्कुल हो गया सही, भैया भौकाल मार रहे हैं, 1 करोड़ के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है इनको, ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, अर्थ परिवर्तन से कारणे शून्यतमम, अर्थ परिवर्तन के कारण में अन्यतम है, भाई अर्थ परिवर्तन कैसे होता है? बोलिए, सादृश्य के कारण, कि आगम के कारण, कि लोप के कारण, कि स्वर भक्ति के कारण, बताइए किसके कारण होता है, बोलिए। अर्थ परिवर्तन किसके कारण होता है, हम वो पूछ रहे हैं आपसे। मैडम बदल गई, सही बताते हुए बदल गई, होता है सादृश्य के कारण अर्थ परिवर्तन होता है। किसके कारण होता है? सादृश्य के कारण। देखिए ऐसे ही आप भी मत बदल जाइएगा, वही मैं आपको, संशय रहित ज्ञान जो है होना चाहिए, संशय रहित ज्ञान ही आपके काम आएगा। तो ये सादृश्य के कारण जो है अर्थ परिवर्तन होता है, एक अन्यतम कारण है अर्थ परिवर्तन का। आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं, आपका 48 नंबर प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, हरते पिभारे, हरते पिभारे महतस्त्रिपावरा, त्रिपावरा दुवाह दुखे न ब्रशानतम शिर, ब्रशानतम शिरहा, हृते पिभारे महतस्त्रपावरा दुवाह दुखेन भ्रशानतम सिरा, कस्य वर्णना इयम्, बताइए किसका वर्णन है? यम वाहन महिष का है, उसका भार हरण करने के बाद भी जो है उस पे भार है। हृते पिभारे महतस्त्रपावरा दुवाह दुखेन भ्रशानतम सिरा, फिर भी शिर झुकाए हुए, यम वाहन महिष, शिशुपाल वध का है, शिशुपाल वध किसकी माग की रचना है, 20 सर्ग हैं, है ना, और पहला श्रीय पति श्रीमति शासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सदमनि, वसुदेव सदमनि श्रेयंक काव्य है, श्री शब्द पहले आ रहा है ना। और आपने किरातार जो नियम में देखा होगा, विधि समय नियोगा दीप्ति संहार जिह्वम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोदौ रिपुत्रमुरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतो भूय, दिनकृतमिव लक्ष्मी, लक्ष्म्यंक काव्य कौन सा है? किरातार्जुनीयम है। श्रेयंक काव्य कौन सा है? शिशुपाल, श्री से आरंभ हो रहा है, श्री पति श्रीमती साश, तुमने एक बार आप और देखिएगा, आप भी देखिएगा, संशय रहित ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण, वैसे हम बोले तो सही है। आइए अगले वाले प्रश्न पर देखिए, 48 नंबर में आपका बी वाला सही हो जाएगा,
विधि समय नहीं होगा तो आपने जान ही लिया कि रातारजू नियम का सबसे अंतिम वा श्लोक है, 46वां श्लोक है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 49 नंबर प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा कस्य मुक्ति। कह रहे हैं कि मदेक पुत्रा जननी जरातुरा किसकी उक्ति है बताइए? हंस की उक्ति है। हाँ, हंस की उक्ति। किसकी? हंस की। क्या कहता है हंस इसमें बताइए, बोलिए। अच्छा, मदेक पुत्रा जननी जरातुरा, यह जो उक्ति है नैषधीय चरितम में सबसे अंतिम में आएगी। आप शुरुआत, हाँ, हर्ष का जो है, हर्षवर्धन मत कहिएगा, हर्ष कहिएगा। हर्षवर्धन ने जो है रत्नावली की रचना की है। जी जी जी, ठीक है, श्री हर्ष है ये। श्री हर्ष है ये। श्री हर्षो निपुण कवि परिषद पेशा गुण ग्राहिणी। सुनी कि नहीं सुनी? हंस हो जाएंगे इसके। ठीक है, आइए अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है, 50 नंबर प्रश्न है आपका। कह रहे हैं कि चीयते बालिशस्यापि क्षेत्र पतिता कृषि। कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं ऐसे? चीयते बालिशस्यापि क्षेत्र पतिता कृषि, तो क्या कह रहे हैं, कहाँ का हो जाएगा ये? मुद्रा राक्षस का होगा कि नहीं होगा, बोलिए। होगा। और आसीत सदोला चलचित वृत्ति ही, कहाँ आया है? रघुवंश। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। रघुवंश का। हृदय गृह्यते नारी अदीदम नास्तिगम। नारियां जो होती है उनको हृदय में धारण किया जाता है, यही अर्थ होगा ना? तो हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम। क्या होगा? हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम। देखिए, डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ आ ही जाता है। अब यहाँ पे भी आ गया है। अब देखिए, हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? समस्या का समाधान हो जाएगा। होगा कि नहीं हुआ? देखिए, समस्या आई और चली गई। हरि नाम का इसीलिए जाप करना चाहिए। चीते बालिशस्यापि सत्क्षेत्र पतिता कृषि मुद्रा राक्षसम हृदये गृह्यते नारी यदीदं नास्ति गम्यतां मृच्छकटिकम् आसीत् सदोला चलचित्तवृत्ते रघुवंशम होतं च दत्तं च तथैव तिष्ठते कर्णभारम्। वक्ने हुआ? चीते बालिशस्यापि सत्क्षेत्र पतिता कृषि मुद्रा राक्षसम आसीत सदोला चलचित्त वृत्ति है रघुवंशम और हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम मुद्रा राक्षस और हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति कर्णभारम। मृच्छकटिकम सोद्रक रघुवंशम कालिदास मुद्रा राक्षस, बताइए किसका है, बोलिए। ले बुला गई। आइए, तो आपका कौन सा वाला प्रश्न सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न नहीं, लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8 बजे जरूर देखिए, और यदि आपको पसंद आई हो तो इच्छा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार संस्कृताय, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार संस्कृताय।